पिट्टे आ नहीं रहे हैं नहीं अभी कहाँ कहाँ, गुंडों से। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं की वजह से पिट रहा हूँ। इन्होंने मुझे माँ का वास्ता दिया है, अपनी माँ की कसम दी है, तो बयान कुछ भी कर सकता है। अपनी माँ से रिलेटेड कोई चीज़ में धोखा या फिर कसम तोड़ना, ये चीज़ नहीं कर सकता। अब दे दिया इसने कसम जल्दीबाजी में और यहाँ फालतू में पिटना पड़ और रहा है सबसे मुझे। मेन ट्विस्ट था इस सीन का कि असली गुंडे आ गए नकली गुंडे की जगह। नकली गुंडे भेजे थे मुझे छेड़ने के लिए और असली गुंडों ने छेड़ दिया। ये बताओ, भेजा किसने था? प्रीति और सुमन भाभी ने, जिसे हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और ये मेरी नजरों में हीरो बन जाए मुझे बचा के। बताओ ये कहाँ, क्या, किसकी साजिश है? फंस बेचारा बयान रहा है, पिट बेचारा बयान रहा है, ये सारी हरकतें ये लड़कियां मिलके मरवा रही आज बयान को। और इतनी पिटाई, इतनी पिटाई, सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं की थी। देखो मेरी हालत आप देख ही रहे हो, धर 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 पसीने निकले ही जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुझे एक्शन सीन्स ही पसंद है, इसलिए मैं बिल्कुल रियल रियल तरीके से करता हूँ। आप मेरी हालत देखो, बिल्कुल सेम हियर। मुझे भी मतलब एक यू नो चार दीवारी के अंदर एक्टिंग करने से ज़्यादा मज़ा आता है एक्सटीरियर करना, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं और एक यू नो रियल रियल करना होता है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना होता आर्टिफिशियल करना है, बिल्कुल रियल करने का मौका मिलता है। मैडम को पता ही नहीं है कि हम इनके लिए मार खा रहे हैं। सोचा कि मतलब मैंने बोला इनसे कि मुझे मारपीट से सख्त नफरत है, स्टिल ये मारपीट करके आए, इन सबसे इनका मन नहीं भरा और मारपीट करके आ गया। मेरा ये डायलॉग भी था इनको कि ऊपर से मेरी क्लास गिरे हुए इंसान को तो और गिरना चाहिए और मार खानी चाहिए। बताओ ये मजबूर हैं, जब भी इनकी माँ की बात आ जाती है, कोई इनका मम्मा का वास्ता दे देता है तो वो करना ही करना पड़ता है। जैसे कि उन्होंने मुझसे शादी कर ली इस चक्कर में।